पीएम किसान योजना में गड़बड़ झाले का खुलासा, 13 लाख किसानों पर बड़ा असर, किसानों के लिए मुसीबत बनी पीएम योजना, अब नहीं मिलेंगे 2000 रुपए। ये खबर पूरी तरह से चौंका देने वाली है। इस खबर के सामने आते ही न केवल किसान योजना से जुड़े विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप है, बल्कि किसानों में भी जमकर हलचल मची है। वजह है वो खुलासा जिसमें ये सामने आया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। इससे न केवल तकरीबन 800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, बल्कि 13 लाख किसान जो किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ ले रहे थे, उन पर भी काफी तगड़ा असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इन 13 लाख किसानों को अब साल में मिलने वाले 6000 रुपए की मदद की राशि नहीं मिलेगी। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा माजरा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत घोटाले वाली ये खबर बिहार से आई है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा गलत लोगों के खातों में जा रहा है, यानी जो इसके लाभार्थी होने के योग्य नहीं है वो भी लगातार इस योजना का लाभ उठाते आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स है कि ऐसा जांच में सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार में 13 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको गलती से ये पैसे मिल रहे हैं। इस खुलासे के बाद बिहार के कृषि विभाग में हड़कंप तो मच गया ही है। इस बारे में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने लेटर भी लिखा है और जानकारी भी दी है, जिसके बाद अब बिहार के कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को लेटर लिखा है, जिसमें ये आदेश जारी किए गए हैं कि अब नए सिरे से किसानों की दोबारा जांच की जाएगी, जिसमें ये देखा जाए कि पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे सही लोगों के पास जा रहे हैं या नहीं। अब सवाल यह है कि इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ। इसका जवाब कृषि सचिव के लेटर में ही है, जिसमें ये लिखा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा एक परिवार में केवल एक आदमी को मिलना चाहिए, ऐसा रूल है। लेकिन जब राशन और आधार कार्ड के डेटा का मिलान किया गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। ये सामने आया कि कई ऐसे परिवार हैं जिनमें से एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस खुलासे के बाद एक हिसाब लगाया गया तो मालूम चला कि इस लिस्ट में 13 लाख से ज्यादा लोग हैं। इस हिसाब से देश के राजस्व का 780 करोड़ रुपए गलत हाथों में जा रहे हैं और किसानों को नुकसान हो रहा है। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद कृषि सचिव ने आदेश जारी किए हैं कि अगली किस्त से पहले सभी किसानों की जांच की जाए, ताकि अगली किस्त से किसी भी अपात्र लोगों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे न जा सके। कृषि सचिव के लेटर से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस मामले में सबसे ज्यादा संख्या वाले लोग पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले के हैं। इस मामले में सारण जिला तो टॉप ही कर गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां 3 लाख से ज्यादा परिवारों में 57,000 लोग ऐसे पाए गए हैं जो गलत पैसा उठा रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां तकरीबन 3.25 लाख परिवारों में 95,000 ऐसे लोग हैं। वहीं सारण की बात करें तो यहां 2.5 लाख से कुछ ज्यादा परिवारों में तकरीबन 1.5 लाख लोग अपात्र पाए गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।